सीओपुर विधायक बाबू जंडेल ने मंच से रामनिवास रावत को गद्दार बताया, बीजेपी की तुलना रावण से कर दी। खबर कराहल से है जहाँ 5 मई को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की चुनावी सभा में अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर सीओपुर विधायक बाबू जंडेल ने मंच पर ही आसान करके दिखाया। जंडेल ने अपने भाषण में भाजपा की तुलना रावण से कर डाली और कहा कि जब जब मैं चुनाव लड़ा बीजेपी ने मुझे हारने की पूरी ताकत लगाई, मगर मेरे आदिवासी भाइयों ने मुझे हर बार भरपूर वोट देकर चुनाव जिताया है। वहीं जंडेल ने कांग्रेस छोड़कर गए रामनिवास रावत को गद्दार बताया। बोले कि जब भागना ही था तो चुनाव हारे तभी महाराज के साथ पतली गली से निकल जाते। आज के दौर में चल रही कार्यवाही पर बोले कि जितनी भी ईडी सीडी हैं मेरे पास भेज देना। जंडेल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यूपी के योगी योगी नहीं हैं। देखिए संवाददाता अमित श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। जब मुझे हराने के लिए पूरी शक्ति लग गई थी, 99% मुझे आदिवासी ने वोट दिया। पोलिंग बाई पोलिंग देख लेना, मुझे 25,000 वोट आदिवासियों ने दिया, जिससे मेरी जीत हुई। जैसे भगवान राम के साथ केवल बंदर था, रावण के पास लंका थी, ताकत थी, काल थी, वो बीजेपी के पास सब कुछ है। राम निवास रावत को कांग्रेस ने आदिवासी भाइयों ने नेता बनाया था, बहुत प्यार किया था, 6 बार MLA बनाया, 2 बार पार्लियामेंट का टिकट दिया और मध्य प्रदेश का कार्यवाहक अध्यक्ष था, फिर भी पार्टी के साथ गद्दार है। जो जिस पद पे रहता है, अगर उसने भगना था तो जब वो चुनाव हारा था उसी टाइम पे महाराज के लिए पतली गली से निकल जाता पेट भरने का। मैं चैलेंज करता हूँ, आप कहते हो ये विधायक डरते हैं, नेता डरते हैं, ईडी सीडी मोदी मोदी लल्लू चट्टू जो है बाबू जंडेल के पास आ जाओ। योगी जी है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, वो योगी है, वो योगी नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी समुद्र में गया ऑक्सीजन के कारण, मैं चंबल में मंदिरों में आसन लगाता हूँ, मोदी जी को बता देना। अयोध्या जी का एक तरह बता, स्टेज के 22 साल जो खड़े हैं आपसे नहीं बताना, मोदी जी ने तो आसन लगाया मंच पे, साधारण मंच पे कोई भी लगा सकते हैं। देखिए जोरदार तालियों से, ये विधायक जो है 4-4, 6-6 घंटे नदी में आसन लगाते हैं। ये योगी जी के रूप में है, योगी नहीं है, भोगी है, योगी बाबू जंडेल है।